मध्य प्रदेश की पसंद है कमलनाथ। क्यों? क्योंकि 2018 में भी बनी थी सरकार, लूटपूट करके इन्होंने सरकार छुड़ा ली, लेकिन मध्य प्रदेश के रहवासियों की नजर में सिर्फ कमलनाथ हैं। अब मामा जी से गुजारिश है, अब वो अपना बुस्तर बांधा बांधे और जाएं। जी कहाँ जाएंगे? तो नहीं केंद्र में चले जाएंगे? नहीं, उनका विदिशा जिले में गाँव है, एक जैत भाई रहे, वो खेती किसान करें, वहीं करें, उनके खेत भी है वहाँ पर। जी क्या किसान आदमी? हाँ तो करें भाई, खेती किसानी करें बस। अब मुख्यमंत्री के चेहरा कमलनाथ का, किसानों का दर्द जब समझ में आएगा जब वो खुद किसानी करेंगे अपने हाथों से, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा। मोदी जी समझ रहे हैं? क्या समझ रहा है मोदी जी? बोर्ड लगे हुए जगह जगह के, जन्म से ही बेटी लखपति बनती है। अरे वो तो लॉलीपॉप पकड़ा दी उनने, तो अच्छी खा दी और लॉलीपॉप पकड़ा दी। जैसे उनको सीख जाने का डर हुआ अपना, उनने बहनों को लॉलीपॉप पकड़ाई, और अब तो सुनने में आ रही है एक नया लॉलीपॉप पकड़ा रहा है, पैसे बढ़वा रहा है बहनों के, और वो डबल लॉलीपॉप पकड़ा रहा है, और एकदम से फिर गैस में खींच लेंगे हाथ, कहीं पेट्रोल में खींचना है यार। तो वो 18 साल से उन्हें बहने याद नहीं आई, चुनाव के 6 महीने पहले बहने याद आ गई, 1200 देंगे, 1500 देंगे, 3000 तक पहुँचाएंगे। 18 साल से कहाँ थे जो महंगाई इतनी है? मोदी जी ने और शिवराज सिंह चौहान जी ने इस मध्य प्रदेश में बहुत महंगाई कर दी है, गरीब इंसान परेशान है। अब भैया छुटकारा चाहते हैं जी। कुल मिलाकर ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है, और जहां आप माहौल देख रहे हैं, ये माहौल जो है परिवर्तन की एक बड़ी लहर है, और इस लहर के अंदर माननीय मोदी जी 2024 में उनका भी विदाई समारोह हो जाएगा, और नीतीश जी, क्योंकि यहां पर जो भी योजनाएं आई हैं वो धराधर आसमान पर ऊपर रही हैं, पब्लिक के बीच में नहीं आ पाई। थोड़ा बहुत 18 महीने के बाद लाडली बहना योजना माननीय हमारे शिवराज सिंह जी को याद आ रही है, इससे पहले कोई भी योजना, कोई बहनें बेचारी कितनी आत्महत्या कर चुकी, कितनी बहनाओं के साथ रेप हो चुके, कितनी बहनाओं के साथ झूमा झटकी हो चुकी, उन पर कोई नजर नहीं पड़ी। पर जब चुनाव आ गए तो जब शिवराज सिंह जी को बहनें याद आ गई, आज स्थिति ये है कि पूरा मध्य प्रदेश, मैं खुद जनता दल यू का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैंने पूरे प्रदेश का सर्वे किया है, तरह से लोग गिरते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि पूरी चुनाव जब आता है ना, हर पार्टी ये कहती है कि निर्दलीय भी खड़ा हुआ ना यहाँ से, अगर मैं उसके पास जाऊंगा वो कहेगा भाई साहब मैं ही जीत रहा हूँ, कहते तो सभी हैं, मैं निर्दलीय के पास भी जाऊंगा ना वो भी यही बात बोलेगा कि मैं ही जीत रहा हूँ इस बार। देखिए निर्दलीय जो है वो भी कांग्रेस समर्थित निर्दलीय है, कोई अदरवाइज नहीं है, पर वो भी आगे चल तो कांग्रेस का काटेंगे नहीं, वो भी आगे चल के कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, ये भी आप सवाल ये था कि हर कोई यही बोलता है हम ही जीत रहे हैं, अब आप कांग्रेस के अध्यक्ष तो यही बोलोगे हम ही जीत रहे हैं? नहीं मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं जनता दल यू का इंडिया अलायंस का मेंबर हूँ, इंडिया अलायंस के मेंबर हूँ। अलायंस वाले कहाँ लड़ रहे हैं? अलग अलग सारे अलायंस वाले उतरे हुए, अलायंस वाले अलग उतरे हुए हैं, वो MP के अंदर समझौता नहीं है, केंद्र के अंदर हम लोगों का समझौता है, हम लोग केंद्र के अंदर इंडिया अलायंस गठबंधन करके अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, वो मोदी जी को निपटाएंगे। कांग्रेस राहुल गांधी पे आरोप लगते हैं कि महिलाओं, स्मृति ईरानी बड़ा आरोप लगाती है महिलाओं का सम्मान नहीं करते, और ज्योतिराज सिंधिया ने बोला कि मोहब्बत की दुकान में सिवाय नफरत के कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? दीप्ति जैन। आप एक बात बताइए, आपने कभी किसी सड़क पे किसी महिला को किसी पुरुष को गले लगाते देखा है कभी, सिवाय एक राहुल गांधी के? कोई भी महिला अपने भाई, अपने पति, अपने पिता के अलावा केवल उस व्यक्ति को गले लगा सकती है भरी सड़क में, जिसके लिए उसके मन में सम्मान हो, जहां उसे सुरक्षा महसूस हो। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि राहुल गांधी में हर किसी को अपना भाई, अपना पिता नजर आता है। बिल्कुल मोदी जी को कहते हैं, मोदी जी मामा जी कहते हैं, यहाँ सारी मेरी बहनें हैं, सब भांजी आए, मैं उनका ख्याल रखूं। मामा जी का कल एक वीडियो वायरल हुआ है, कल या परसों, जिसमें अपनी भांजी को चोटी से पकड़ के खींच रहे हैं, ये उनका प्यार है, ऐसे अपनी भांजियों का सम्मान करते हैं, ऐसे अपनी भांजियों से प्यार करते हैं। बताइए आप क्या है इस बार रणनीति? 4 दिन बाद चुनाव है, कांग्रेस रणनीति नहीं बनाती, कांग्रेस सिर्फ प्यार लुटाती है, मोहब्बत लुटाती है, और लोग जुड़ते हैं और वोट करते हैं। मोदी जी आज ही बोले भाषण में कि कांग्रेस से तो कांग्रेस ही परेशान है। दिक्कत मोदी जी की ये है कि उनको सपने में, नींद में, चलते फिरते सिर्फ कांग्रेस दिखाई सुनाई देती है, मतलब फोबिया है उनको, कांग्रेस फोबिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदुस्तान में BJP को सिर्फ कांग्रेस हरा सकती है, बाकी दल कहीं ना कहीं से उनसे गठजोड़ कर लेते हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने नीतियों से समझौता नहीं किया, कभी भी नहीं किया।
बिल्कुल रेवड़ी कल्चर चल रहा है, कांग्रेस भी बांट रही है। नहीं, कांग्रेस शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च कर रही है, जो कि हर आप ये बताइए, आप टैक्स देते हैं ना, उस टैक्स का दुनिया के ज्यादातर देशों में क्या उपयोग होता है, कहाँ खर्च होते हैं? स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर। और कांग्रेस ने तीन लोगों पर ध्यान दिया, महिलाओं को 1500 रुपए देने का, इसलिए क्योंकि महिला पूरा परिवार चलाती है। शिवराज जी सिंह ने भी उनका उनकी उसी योजना की कॉपी की, और लेकिन आप देखो उसमें फिल्टर कितने लगे हैं। आप टैक्स पे करते हो तो नहीं मिलेगा, आपके घर में ट्रैक्टर है तो नहीं मिलेगा, आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में तो भी नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह का फिल्टर लगा के जब आप बहनों में भेदभाव फैला रहे हो, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे ही घर में कोई और है जो टैक्स नहीं पे, उन्हें मिलेगा, तो आप घर में लड़ाई कराने के काम कर रहे हो। और कांग्रेस उसके उलट नारी सम्मान योजना में सबको 500 में सिलेंडर देगी और सबको 1500 रुपये मिलेंगे। तो हम बांटने का काम नहीं करते, हम जोड़ने का काम करते हैं। आरक्षण का मुद्दा रहे, देखिए आप एक बात बताइए, हमारे घर में कोई कमजोर बच्चा होता तो माँ बाप क्या करते हैं? उसको थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं? हाँ बताइए आपके ने। तो यदि हम किसी को थोड़ा सा सपोर्ट करके उसको ऊपर, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं, तो ये करना चाहिए। और भी लोग, काफी लोगों से बात करेंगे। राहुल गांधी आ रहा है, राहुल गांधी का क्रेज है यहाँ पर, आ रहे हैं बोला मैंने कि राहुल गांधी आ रहे हैं, तो क्या है क्रेज? राहुल गांधी की रस तो पूरे हिंदुस्तान में है। अच्छा। वो भोपाल हिंदुस्तान के युवा शक्ति उत्तर भोपाल में युवाओं को जोश दिलाना है, क्योंकि हमारा प्रत्याशी भी मध्य प्रदेश में सबसे युवा है। देश में देर क्यों कर दी आने में? मतलब देर नहीं, जब जब सही टाइमिंग होगी सही टाइमिंग में आएंगे। 4 दिन पहले आ रहे हैं इलेक्शन से, 4 दिन हो या 6, मोहब्बत तो कभी बांटी जा सकती। वो रही मोहब्बत की, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की बात, तो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान चला रहा है, उसको देखते हुए हमारे विधायक आरिफ अकील साहब ने 30 साल पहले ही हिंदू मुसलमान को एक करके पैगामे मोहब्बत रैली निकाल के हिंदू मुसलमान को एक करके मोहब्बत की दुकान तो पहले खोली हमने 30 साल से। सारे कैंडिडेट यहाँ से खड़े हुए हैं, सारे मुस्लिम हैं, के इतने सारे मुस्लिम कैंडिडेट हैं, और बीजेपी ने एक हिंदू चेहरा उतार रखा है, कहते हैं वोट बड़ा कटेंगे यहाँ से इस बार। भोपाल शहर के अंदर गंगा जमुना तहजीब को कायम रखने के लिए आरिफ अकील साहब ने अपनी जिंदगी दे दी, 35 साल से वो अपने गंगा जमुना तहजीब को कायम रखे हुए हैं। वो ये फिरका परस्त ताकतें भूल जाए कि बांट के निर्दलीय खड़े करके हम चुनाव जीत जाएंगे, चुनाव तो आरिफ अकील साहब जीतेंगे। आरिफ अकील साहब ने अपनी मोहब्बत से एक एक घर में, एक एक गली के अंदर आरिफ अकील साहब के लोग हैं जो उनको चाहते हैं और चाहेंगे, और ऐतिहासिक जीत होगी इस बार। जो आप निर्दलियों की बात कर रहा हो, वो सिर्फ सोच रहे हैं कि आलोक शर्मा जी बरगद के पेड़ को काट देंगे कुल्हाड़ी बन के, वो कुल्हाड़ी का हत्ता वो सोच रहे हैं निर्दलियों को मनाएंगे, बरगद का पेड़ है कुल्हाड़ी से नहीं कटेगा। भोपाल शहर के अंदर आरिफ अकील का जलवा था, मोहब्बत थी, आरिफ अकील की रहेगी इंशाल्लाह, ता उम्र तक रहेगी। इस बार विधायकों का चुनाव नहीं हो रहा, सीधा मोदी जी का चुनाव हो रहा है भाई, ये चुनौती है मोदी जी। मोदी भाई, मोदी जी, मोदी जी से बोलो पार्षद चुनाव भी वही लड़ ले, पार्षद चुनाव में भी मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं ये विधायक चुनाव, तो ऐसा तो नहीं मोदी जी शुरू से शुरुआत करना चाह रहे हैं कि हमें पार्षद चुनाव। शिवराज सिंह चौहान जी की बोखलाहट है, मोदी जी को ले आए, हमने 2018 में शिवराज जी को भगा दिया था, 2023 में भी भगाएंगे। भैया जी, यही वजह है शिवराज सिंह के चेहरे पर डर लग रहा है बीजेपी को? बिल्कुल, उनके चेहरे पर डर होगा, क्योंकि उन्होंने जब भोपाल को ऑक्सीजन की जरूरत थी तो वो पेड़ लगा रहे थे, प्लांट लगाने के बजाय उनके घर में पेड़ लग रहे हैं, और जरूरत भोपाल को प्लांट की थी। ये आरिफ भाई, दोनों आरिफ भाइयों का था जो भोपाल में ऑक्सीजन मिलती रही। मैं खुद कोरोना टाइम में हॉस्पिटल में एडमिट था, तो सिर्फ दो गाड़ियां नजर आती थी, या तो एम्बुलेंस की आवाज, या आरिफ अकील साहब की गाड़ी है, या आरिफ मसूद की गाड़ी है, जिसमें लोगों की लाशें जा रही थी और बीमार जा रहे थे। मैं आपके जरिए पूछना चाहता हूँ शिवराज सिंह जी से कि आप उस वक्त जो पेड़ लगा रहे थे सिर्फ अखबारों में दिखाने के लिए, आज उनमें ऑक्सीजन हो रही है या नहीं हो रही? ऑक्सीजन आएगा, पेड़ तो खैर अच्छी बात, लगा रहे थे वो पेड़, आप देखें उन डेटों में, जिस वक्त कोरोना का पीक प्रोग्राम था उस वक्त के अखबार निकाल कर देखे, सिर्फ उन्होंने का मुद्दा बहुत बड़ा है यहाँ पर। बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा यह है क्योंकि भोपाल में दो मुद्दे हुए, एक गैस ट्रेजेडी, गैस ट्रेजेडी, और दूसरा कोरोना। गैस ट्रेजेडी में आरिफ अकील थे, रसूल अहमद सिद्दीकी थे, आरिफ मसूद थे, जिन्होंने भोपाल की जनता को जो समझिए रोड से उठा के हर तरफ की सहूलियत दी, लेकिन ये सब गायब थे। आरिफ अकील साहब ने कोरोना पीरियड में 40 किचन चलाए, ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, रेमडेसिविर सिलेंडर दिया। भोपाल शहर के ऐसे ऐसे लोग, प्रतिष्ठित लोगों को मैं स्वयं
आतिफ अकील साहब के कहने के ऊपर ऑक्सीजन देके आया हूँ। रेमडेसिविर जब मैंने बैठे गली में सैनिटाइज मैंने कराया आतिफ अकील कहने पर। आतिफ अकील साहब कैंडिडेट आज हुए हैं पिछले 4-5 साल से, वो उत्तर विधानसभा के क्षेत्र में पूरा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, यहाँ पर जो गरीब बेसारों का सहारा बने हुए। अभी छह महीने पहले आतिफ अकील साहब ने एक बस्ती बसाई है गरीबों बेसारों को, वहाँ पर रेलवे ने उन लोगों को भगा दिया था, आतिफ अकील साहब लेके गए। बारिश की रात थी, आतिफ अकील साहब भीगते रहे रात को, उन लोगों को सबको छत दी उनको वहाँ। क्या नाम है? सलाम अहमद खान। अच्छा, तो राहुल गांधी आ जा रहे हैं, ये भीड़ राहुल गांधी के लिए लग रही है क्या? जी अच्छा माहौल है, कांग्रेस का माहौल है, राहुल गांधी आ रहे हैं। क्या है, मोदी जी आए हुए उतरे हुए मध्य प्रदेश में, कह रहे हैं आज भी वो बोल रहे हैं के बीजेपी कांग्रेस से कुछ कांग्रेस ही नाराज हुए पड़े। अरे वो तो ठीक है, घर में कोई बात नहीं है, कांग्रेस की अच्छी लहर है, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस की लहर है, लहर है ना, कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में रेल, छत्तीसगढ़ में रेल, राजस्थान में रेल, कांग्रेस की लहर है मध्य प्रदेश में, तो बता दीजिए पहले। मध्य प्रदेश में बता रहा हूँ आपको, 145 से 155 सीटें लेके आएगी कांग्रेस। कहाँ से, कैसे लाएगी? मध्य प्रदेश में कैसे लाएगी? इस मुद्दे पे लेके आएगी, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, इस मुद्दे पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी। अच्छा, महंगाई का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है ना। अच्छा, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, मोदी जी बोल रहे थे यहाँ के भ्रष्टाचारी तो बच नहीं सकता उनसे कोई। नहीं नहीं, मट्टी का मुद्दा तो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा चल गया 18 साल से, और इस दफा तो उन्होंने लाडली बहन योजना को ऐसी रेवड़ी बांटी है, 1200 रुपए महीने दे गए, पता चल गया कोरोना काल में बहनाएं जो है झोला ले लेके दर दर भटक रही थी भोपाल में, उनको कोई भीख भी नहीं दे रहा था, और अब जो है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी 1200-1200 रुपए 1250-1250 रुपए दे के उनको लालच दे रहा है लाडली बहन योजना को, रेवड़ी बांट रहा है रेवड़ी की। तो ये मध्य प्रदेश में तो वैसे ही जा रही है 200, मैं तो वादा कर रहा हूँ 155 से लेके 165 सीटें लेके आएगी मध्य प्रदेश सरकार, कमलनाथ की सरकार। अच्छा, तो भाजपा से इतना नाराजगी होगी क्या? भाजपा से नाराजगी है, कोरोना काल के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मर रहे थे, इनको कोई देखने वाला नहीं था, कोई इनको सुनने वाला नहीं था, हमारी माता बहनाएं भोपाल के अंदर दर दर एक के घरों में जा रही, झोला ले लेके रोटी दे दो, सालन दे दो। उस टाइम माननीय श्री हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इन बहनों की याद नहीं आई, बच्चे दूध के लिए बहरा रहे थे, परेशान हो रहे थे उनकी बहनों उन माताओं के लिए, उन बच्चों के लिए। उस टाइम 500 रुपए 200 रुपए किसी ने नहीं दिए, अब 2-4 महीने पहले रेवड़ी बांटना शुरू कर दी शिवराज सिंह चौहान ने, के साथ 1000 रुपए दे रहा है, लाडली बहनों के बीच में बैठ के ढोलक बजा रहे हैं। मोदी जी बोले कांग्रेस से तो खुद कांग्रेस ही परेशान है, उनके कार्यकर्ता उनके नेता कांग्रेस ही, कांग्रेस के बड़े नेताओं से, उनके कहने से क्या होता, सामने लेकर कौन कांग्रेस से परेशान है, इतने सारे खड़े हैं तो बताओ भाई आप लोग कांग्रेस से परेशान हो क्या? कांग्रेस से परेशान हो ये कोई कांग्रेस से परेशान? महंगाई से सिर्फ खाली, सिर्फ महंगाई से खाली, बेरोजगारी में खुद अपने आप से परेशान है। मोदी का सुपड़ा साफ करना है, सुपड़ा साफ, मोदी का सुपड़ा साफ, पूरा सब सुपड़ा साफ, परेशान हो गए। सरकार मध्य उत्तर जीतेगी, आतिफ अकील जीतेगा, आलोक शर्मा नहीं जीतेगा, उनने बहुत कैंडिडेट खड़ा करके रखे, वहां से फैल जाएगा वो। महिला है कांग्रेस से, और कहना चाहता हूं मैं आपसे कि मध्य प्रदेश के अब ना हिंदू चलेगा ना मुसलमान चलेगा, यहां पर सिर्फ इंसानियत चलेगी, इंसानियत चलेगी। क्या है युवाओं का मूल? कांग्रेस कांग्रेस क्या कमी रह गई बीजेपी राज में? बीजेपी में बिल्कुल रोजगारी नहीं है। बीजेपी वाले कह रहे हैं सब आईफोन चला रहा है, इतना आईफोन बिक रहा है, इतने महंगे महंगे लोग फोन खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं? अगर रोग आदमी कांग्रेस ने जो नौकरियां दी उनमें पेंशन की व्यवस्था थी, पिताजी को 30,000 पेंशन मिल रही है, लड़का बीजेपी बीजेपी ये तो ओल्ड पेंशन नहीं, तो आप पहले के जो लोग हैं अभी तो चल रहा है ना सब। आप एक 60 साल के बुजुर्ग से बात करिए और उससे पूछिए उसकी नौकरी किसके शासन काल में लगी, और उसके बाद उससे पूछिए कि उसका घर किसके पेंशन से चलता है, आपको पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। सरकार गई वो तो शिवराज जी, मामा भी गए, मोदी भी गया, दिलीप बिल्डकॉम की बात नहीं कर रहे, दिलीप बिल्डकॉम देखिए साहब, मैं आपको बताऊं मध्य प्रदेश का युवा तो जो है बेरोजगार है। दूसरी चीज ये है अत्याचार, सांप्रदायिकता, हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, इससे कुछ होना जाना नहीं है। आज की जनता ये चाहती है, नौजवान ये चाहता है हमें रोजगार अच्छा मिले, भैया भाभी चाहते हैं हमें घरेलू गैस सस्ती मिले, हमें पेट्रोल डीजल सस्ता मिले,
हमें खुशहाल और खुशहाली वाला मध्य प्रदेश चाहिए, हमें लड़ाई झगड़े वाला मध्य प्रदेश नहीं चाहिए जो मामा ने 18 साल में बना दिया है। वो महाकाल की नगरी उज्जैन हो या वो खंडवा हो या भोपाल हो, कहीं भी हो, ऐसे हालात बना दिए हैं जब इंसान सफर भी करता है तो पूछता है भैया आपका नाम क्या है। इतनी दहशतगर्दी हो चुकी है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस आई तो पाकिस्तान बन जाएगा, तो हमास को भी बोलना है वो भी आ जाएगा। भैया खत्म हो गया साहब। भैया मेरा कहना मकसद है, देखिए बीजेपी के नेता कुछ भी गए, हम फख्र से ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं, हम कांग्रेस के कच्चे सच्चे और पक्के सिपाही हैं, हम जिएंगे भी यहीं, मरेंगे भी यहीं और इसी मिट्टी में दफन होंगे, और हमें अत्याचारी के खिलाफ लड़ना पड़े, हमारा खून बहाना पड़े, वो भी इनकलाब बनेगा, वो भी यहीं बनेगा, इसके अलावा कहीं नहीं बनेगा, बिल्कुल। और आज भी लड़ते हुए आए, आप इनकी योजनाएं देख लीजिए, इन्हें 18 साल से याद नहीं आया भैया भाभी कब योजना दे दी। इनका मैनेजमेंट इतना खराब हो चुका है, इनका लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो चुका है, इनका माहौल आप देख लीजिए, हर जगह एक दंगे जैसी स्थिति बनती है। तो मेरा ये कहना है शिवराज भैया आप अपना बिस्तर बोरिया बांधिए, जैसे पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार आई थी वैसे आने दिए, इस प्रदेश को खुशहाल और खुशहाली वाला। पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार आई थी लेकिन बनी बीजेपी की, अब के भी ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं, अरे देखिए सर मेरा कहना मकसद है, जो हमारिया सरकार जो थी जो चली गई जिनके चक्कर में, उनको तो हमने बिस्तर बोरिया बांध के भेज दिए ना, अब हमारिया बिल्कुल क्लीन लोग हैं। जैसा कमलनाथ एक ही, सुनिए इनकी 10 मुख्यमंत्री हैं, हमारे एक ही मुख्यमंत्री जिसका नाम है सिर्फ कमलनाथ कमलनाथ कमलनाथ। कमलनाथ जी आएंगे, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। राहुल गांधी जी सबको साफ कर देंगे, जो लड़ाई झगड़े लड़वा देना हमारे राहुल गांधी जी। और एक दो युवा जानेंगे, ये बताओ कमल है या कमलनाथ है? दोनों ही कमलनाथ, सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ। खत्म जब ही होगी जब कमलनाथ आएंगे, वरना महंगाई खत्म नहीं होगी, गरीब और मर जाएगा। मध्य प्रदेश की पसंद है कमलनाथ। अरे क्या है कमलनाथ काय का, वो काय का वो है नेता दादा कमलनाथ काय का शिवराज सिंह चोट का खा गया, पेन का खा गया, हमारे भोजपुरी का बीजेपी का पेसा खा गया। कौन सा पैसा खा गया? न कन का बल रही न कुछ हो रही है, पेंशन आ रही है, सरकार है पेंशन आ रही है, नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही है, कुछ नहीं मिल रही है, सब खा गया साला। 25,000 वाले को एक पैसे नहीं मिले, 25,000 वाले के गैस कांड के पैसे नहीं मिले अब तक। उनको बोलना तो जीत जाएगी, क्या कह रहे हैं? 25,000 वाले के नहीं मिला, मरने वाले को 10-10 लाख दिए उन्होंने। किसने दिए? केंद्रीय सरकार, चौहान ने नहीं दिलवाया अब तक। केंद्र सरकार से पैसा आया लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने मरने वालों को कोरोना टाइम में, हाँ यहाँ नहीं मिला। यहाँ क्या है युवाओं का मनोबल? युवा किसकी सरकार बनवा रहे? कांग्रेस, कमलनाथ जी की, कमलनाथ जी की, और वही आएंगे तो बेरोजगारी खत्म होगी। अच्छा जी, बेरोजगारी तो केंद्र का मुद्दा है, राज्य में कैसे कर देंगे खत्म? वो छोटे लोग बैठे हुए बीजेपी के वो खा गए, कैसे खत्म हो जाएगी? खासकर मोदी जी चाय वाले। कांग्रेस की किसकी सरकार बनवाएंगे? भाई देखो हमारी जनता ने वोट पहले भी कांग्रेस को दिया था, कांग्रेस जीती थी, है ना, चोटियां ही करके कांग्रेस ने ईमानदारी का वोट लेकर जीती थी। जनता होशियार हो चुकी है, जनता ने पहले भी वोट कांग्रेस को दिया था, अब भी जनता कांग्रेस को वोट देगी। हैं ये लोग तो भागने वाले हैं, अब एमपी छोड़ के क्या होगा इस बार एमपी में? इस बार एमपी में कमलनाथ, बस कमलनाथ बनेगी, कमलनाथ लूट लिया है, पूरा लूट लिया, अच्छे से निचोड़ लिया मामा ने, सिर्फ कमलनाथ ही है जो मध्य प्रदेश को न्याय दिला सकता है। जी क्या कह रहा है? भेलों को लॉलीपॉप 3,000 रुपए देंगे, 1,200 रुपए हर महीने डाल दिया अकाउंट में, 1,200 पटक दिए, भेलों को तो चोट हो रही है। बदलाव है, बदलाव तो इंशाल्लाह कांग्रेस कांग्रेस सरकार। 1,200 का सिलेंडर था, 1,200 का भी। राहुल गांधी आने वाले हैं, समर्थक है उनके, चोट लग रहा है। देखिए मस्जिद है, यहाँ से शुरुआत होगी उनकी रैली की, 5 बजे करीब आएंगे और आगे बढ़ती जाएगी, मतलब मस्जिद से शुरू करेंगे और मंदिर पे जाके खत्म करेंगे, ये आज की उनका प्रोग्राम है।